नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्य। बरसात का मौसम, मॉनसून का ये जो दौर है, सीज़न है, ये किसको अच्छा नहीं लगता। प्रकृति खुद अपने पूरे उत्सव पर होती है, उत्सव मनाती है। बारिश की बूंदें ज़मीन पर आकर के जब गिरती हैं तो मोर नाच उठते हैं। प्रकृति पूरी मिल करके इसका आनंद उठाती है, लेकिन ये आनंद कई बार हम लोगों के जीवन में कुछ गड़बड़ियां ले आता है, अगर हम इन सावधानियों को अगर ना बरतें तो। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में कुछ मॉनसून के ऋतु के संदर्भ में, वर्षा ऋतु जब होती है उन दिनों में हमें क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, इसकी बहुत सारी जानकारियां वहां पर उपलब्ध हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए ये सुलभ नहीं है। उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि क्या करना चाहिए इस ऋतु में विशेष, और क्या चीज़ों का परहेज करना होता है। वे लोग जैसे जैसे पहले जैसा रूटीन जीते थे वैसा ही इसमें भी जीते रहते हैं, तो फिर होता क्या है, उनको अलग अलग तरह के रोग आ जाते हैं, वात से रिलेटेड, पित्त से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड। क्योंकि इस मौसम में वायु भी बढ़ता है शरीर में, क्योंकि खान पान की जो चीज़ें होती हैं उनमें भी वायु तत्व बढ़ जाता है, और जब वो उन्हीं चीज़ों को खाते हैं तो फिर शरीर में भी वायु बढ़ जाता है। इस सीज़न में जैसे ही बारिश होकर हटती है उसके बाद अचानक से कई बार शरीर में पित्त भी बढ़ जाता है। पित्त यानी बॉडी में हीट भी बढ़ जाती है, लिवर में बाइल भी बढ़ जाता है, तो उसको हम पित्त बोल देते हैं। और तो और इतना ही नहीं, अगर आप बारिश में थोड़ा भीगते हैं या नमी आपके भीतर चली जाती है तो आपका कफ भी बढ़ जाता है। ये तीनों दोष इस मौसम में थोड़ा बढ़ने के चांसेस रहते हैं, हो सकता है कि एक उपित हो जाएं। लेकिन घबराइए नहीं, कुछ आहार में यदि बदलाहट ले आएं, कुछ हम जीवन में जीने के ढंग में कुछ तैयारियां ऐसी कर लें, और अगर आसपास का वातावरण हम कुछ इस तरह से बना लें कि हमें इस मॉनसून ऋतु की जो सुंदरता है, सबको सुंदर लगती है बारिश की बूंदें, कई कविताएं इसके ऊपर बनी हैं, बारिश के ऊपर, बचपन के ऊपर। तो बच्चे तो खास कर इस ऋतु में नौका बना करके कागज़ की उसमें चलाते हैं, और उनको बाहर बारिश में नहाना भी बहुत अच्छा लगता है, भागते हैं बाहर की ओर, तो फिर माता पिता कई बार उनको रोकते भी हैं। तो ये चीज़ें कुछ सावधानियां अगर रख लें तो आप इस ऋतु का पूरा आनंद ले सकते हैं। तो अगले 2-4-5 मिनट में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इसके बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आहार के बारे में, आहार में पथ्य और अपथ्य, क्या सेवन करना है और क्या इसमें नहीं लेना है। पहले बात करते हैं क्या क्या परहेज करने हैं इसमें। सबसे ज़्यादा बारिश के ऋतु में कुछ लार्वे, कुछ बैक्टीरिया, कुछ कीड़े मकोड़े, अलग अलग तरह के जहरीले भी होते हैं कुछ, तो वो पत्तेदार सब्जियों के ऊपर पनपने लग जाते हैं बहुत तेज़ी से, जो कि शायद कई बार उसके अंदर भी रह जाते हैं, कई बार ऊपर एक दूसरे पत्ते पर जा कर के वो अपने जो नुकसान करने होते हैं, गंदगी फैलानी होती है, बीमारियां फैलानी होती हैं, वो भी फैला देते हैं। इसलिए इस ऋतु में हरी पत्तेदार सब्जियां ना लें, जैसे पत्ता गोभी होती है, पत्ता गोभी में भी बहुत सारे लार्वे पनप जाते हैं, और फूल गोभी होती है, फूल गोभी को भी आप अवॉइड करें इस मौसम में, ये दो कारणों से, एक तो उसके ऊपर भी खुले में बहुत सारे कीटाणु बैक्टीरिया लार्वे पनपते हैं, दूसरा उसके अंदर भी वायु तत्व बढ़ जाता है गोभी के अंदर, तो गोभी ज़्यादा खाएंगे तो गैस बनेगी फिर इस ऋतु में। पालक, मेथी, सरसों का साग, ये सब पत्तेदार सब्जियाँ हैं, इनको आप अवॉइड करिए। हालांकि इस मौसम में मकई जो होती है, मक्का जिसको आप बोलते हैं, उसमें भी कीड़ा आ जाता है, गन्ने में भी कीड़ा आ जाता है, कई लोगों को, बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में कि जैसे ही वर्षा ऋतु आती है गन्ना जो है उसमें भी कीड़ा आ जाता है। क्योंकि हमें प्रकृति ये नहीं कहती कि आप एक आपकी हम चीज़ें ख़राब कर देंगे, प्रकृति तो यही चाहती है कि आप मानसून ऋतु आने से पहले पहले अपनी सारी वनस्पतियाँ, अपने सारे जो खेत खलिहान हैं इनको समेट लो,
इनको जहाँ रख सकते हो निकाल लो, लेकिन कुछ किसान भाई या कुछ समय की दिक्कतों के रहते कुछ लोग नहीं भी कर पाते, तो फिर वो उनकी फसल में ये कीड़ा आ जाता है। इसीलिए इस मौसम में ये चीज़ें आपका फर्ज बनता है कि ना खाएं, तो बेचने वाले तो बेचेंगे। इसके अलावा आप कच्चे सलाद जैसी चीज़ें जो होती हैं, कच्ची चीज़ें होती हैं, एक तो इन्हें गर्म पानी से सब फल सब्जियों को धोकर प्रयोग करें, थोड़ा नमक वाले पानी में धो करके, गर्म पानी करके नमक डाल के उसमें उसमें धो के आप प्रयोग करें। दूसरी बात, आप कच्ची सलाद जैसी जो चीज़ें हैं कम खाएं, रात को तो बिल्कुल ना खाएं, और अगर सुबह दिन के समय में भी खाएं तो इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जैसी कोई चीज़ डाल लें, और थोड़ा हल्का फुल्का इसको अगर चाहें तो स्टीम भी कर सकते हैं 1-2 मिनट के लिए, ताकि इसमें रोग रहने की संभावना न रहे। और फिर आप इस मौसम में, मानसून के ऋतु में, बरसात के दिनों में दूध, दही, छाछ, पनीर या दूध से बनी हुई चीज़ें, एक बीमार लोग तो बिल्कुल बंद कर दें, दूसरा अगर आप स्वस्थ हैं तो भी आप बहुत कम मात्रा में लें। जब धूप निकली हो तब दही लें, अथवा बारिश के समय में दही ना लें, छाछ ना लें, और इस तरह का ये ध्यान रखना है, क्योंकि कफ बहुत बढ़ता है शरीर में मानसून के आने पर, तो सब कुछ ही बढ़ता है, लेकिन इन दूध की चीज़ों से, फिर छाछ आदि से या दही आदि से फिर और बढ़ने की संभावना होती है। तो ये कुछ दिन की बात होती है, आप परहेज भी कर लें तो बहुत अच्छा है, बहुत कुछ बच जाता है फिर भी खाने को, उनका आप आनंद लीजिएगा। आप कभी कभी खीर पूड़ा लोग बहुत खाते हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की प्रथाएँ हैं, रिवाज हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें खाने के, आप खाइए कभी कभी, आनंद लीजिए उनका। लेकिन राजमा, सफ़ेद चना, कड़ी चावल, आलू, मटर, जौ, उड़द की दाल और करेला जैसी, ये करेला खुश्क है, खुश्क चीज़ों का भी प्रयोग कम करना होता है। राजमा जिसकी मैंने अभी बात की, तो इन चीज़ों में भी आप वायु की अधिकता होती है, राजमा, आलू, मटर आदि में, तो इन चीज़ों का भी प्रयोग आप कम करें बरसात के दिनों में। और फिर बात कर लेते हैं कि किन का प्रयोग ज़्यादा करना। देखो, सामान्य आहार जो हम बाकी बचता है इसके अलावा सब खा सकते हैं, इसमें अगर आप तुलसी का सेवन नित्य करें बरसात के ऋतु में, खास वैसे तो वर्ष भर लेनी चाहिए, लेकिन अगर बरसात के ऋतु में आप सब परिवार को तुलसी और गिलोय देते हैं, तो ये आपके परिवार को तरह तरह की बीमारियों से, कफ, साइनस, एलर्जी आदि की जो वायरल अटैक हैं, फ्लू हैं, उन सब से बचाएगा। ये बहुत अच्छा होता है तुलसी और गिलोय। हालांकि जब आपको बहुत ज़्यादा श्लेमा, म्यूकस बने, खांसी हो, कफ हो, हम कफ इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी में कफ बोलते हैं, जिसमें आपके अंदर म्यूकस बढ़ जाता है, बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाती है, उसको हम कफ बोलते हैं, तो कफ में आप अदरक का सेवन कर सकते हैं शहद में मिला करके, आंवला का सेवन कर सकते हैं, ताकि आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहे, इन दिनों में बीमारियाँ ज़्यादा लगती हैं, अटैक करती हैं, तो ये चीज़ें आपको बचाएंगी। और इसके अलावा आप बाजार से भी कोई चीज़ खरीद कर लाएं खाने की, तो उसको भी अगर ध्यान रखें, अगर उसमें कई बार आप कोई अनाज खरीद के लाते हैं उसमें भी कीड़ा पनपने की संभावना होती है, क्योंकि कई बार वो दुकानदार या वो बेचने वाले उसको इतना सुरक्षित तौर पे तरीके से नहीं रख पाते, तो उसमें भी वो कीड़ा आ जाता है, तो आप उससे भी ध्यान से प्रयोग करिए। इतना ही नहीं, आप घर में भी अगर कोई खाद्य चीज़ है, अगर उसको एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखते हैं, नमी से नहीं बचाते हैं, तो भी उसमें कीड़ा आने की संभावना होती है, तो उसको भी आप ढंग से, उसको आप सुरक्षित रखिए। समय समय पर घर में जो सामान है खाद्य, उनको धूप भी लगवाते रहिएगा, जब जब भी धूप निकले कपड़ों को भी धूप लगवाना, भीतर के अलमारियों से निकाल करके। और फिर खास जो बात है कि आप अपने कमरों में कपूर जो होता है, जिसको आप भीम सैनी कपूर ले लीजिए बाजार से, उसको आप अपने कमरों में रखिए, ताकि वायु जनित रोग बहुत फैलते हैं, वायु से ज़्यादा संक्रमण होते हैं, तो संक्रमण आदि ना हो इसके लिए कपूर की टिकिया हर एक कमरे में, छोटे छोटी टिकिया, एक एक दो दो टिकिया किसी कटोरे, कांच के कटोरे में, या किसी दीवार पे आप जालीनुमा कपड़े में बांध करके
टांग दें ताकि ऐसी रोग ना फैलें। और जो पेशेंट हैं, बीमार रोगी हैं किसी किसी के घर में, उनके सिरहाने के नीचे आप कपूर की टिकिया रख दें। बहुत सारे लोगों के घरों में मैंने देखा पेशेंट जहाँ पे उनके मरीज लोग रहते हैं, उनके परिवार का कोई ऐसा सदस्य, वहाँ धूप नहीं पहुँचती, वो उनको अंदर के कमरे में रखते हैं। अंदर के कमरों में तो दीवारों में भी जो बहुत सारे दीवारों के ऊपर भी नमी आ जाती है, तो उसके कारण पे वहाँ पे भी फंगस आदि रोग जो है वो पनपने की संभावना रहती है। और वो कभी कभी नहीं भी नहा पाते तो उस वजह से नमी की, शरीर में नमी ऊपर आ जाती है, उसके कारण भी रोग आ सकते हैं, तो उनको कपूर जरूर रखिए। दूसरी बात, उनको भी कभी कभी नहाने के पानी में थोड़ा नीम आदि डाल करके उनकी त्वचा का ध्यान और सब रखना होता है, शुचिता का, सफाई का। कभी कभी उनको भी धूप में ले जाएं तो कपड़े गीले नमी वाले ना पहनाएं, ये सब करना है। और अलमारियों में आप खास कर जब जहाँ कपड़े रखते हैं वहाँ पे कपूर रख दीजिए, जगह थोड़ी 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 दूरी पर, नीम की पत्तियाँ थोड़ी हर कपड़े की तह के नीचे आगे ऊपर रख दें, ताकि इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं घरों में। तो आप इस सफाई का ध्यान, हर चीज़ का ध्यान रखना होता है कफ एलर्जी से बचाने के लिए। फिर जो पोछा आप लगाते हैं घरों में, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट जिसको बोलते हैं, गुलाबी नमक, वो डाल करके, गौमूत्र डाल करके, गौमूत्र ताज़ा हो जाए या किसी फार्मेसी का बनाया हुआ, कंपनी का पैक किया हुआ, उसको आप पोछे में डाल करके, पोछे में नीम का अर्क या तेल, ऐसी चीज़ें मिला करके आप पोछा लगाएं घर में, तो ताकि आपके घर में ये चीज़ें ना आए। और फिर बारिश में भीगने का बहुत शौक होता है सबको, कभी कभी भीग सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भीगने से वायरल हो सकते हैं और तरह तरह की बीमारियां आ सकती हैं, इसलिए अति ना करें। भीगते हुए योग नहीं करना है, हालांकि कभी कभी तो योग लोग बारिश के पास बैठ करके करते हैं, जब बारिश हो रही होती है तब आप प्राणायाम आदि का भी परहेज रखें, क्योंकि उसके साथ नमी भीतर जाने का डर रहता है, तो नमी भीतर ना जाए तब आप बारिश ऋतु की ऋतु में, जब बरसात हो रही है तब आप योग प्राणायाम भी ना करें। हल्के फुल्के व्यायाम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन ब्रीदिंग वाले व्यायाम थोड़े कम करें हो सके तो। पानी में भी कीटाणु आ जाते हैं, इसलिए पानी को भी उबाल कर छान कर पिए सब। और पानी की टंकी में ऊपर आप एक छोटी टिकिया कपूर की डाल सकते हो ताकि पानी सुरक्षित रहे। खुले में पानी, खुला इकट्ठा एक जगह पे कहीं पर इकट्ठा ना हो, कूलर आदि का प्रयोग कम करो, उस जिसमें पानी डाल करके हम चलाते हैं कूलर को हवा के लिए, तो वो भी नमी अंदर छोड़ते हैं, जिससे कि रोग ज़्यादा, क्योंकि नमी का, मॉइस्चर का तो सीज़न है ना, तो अगर आप ज़्यादा मॉइस्चर में रहेंगे और ज़्यादा मॉइस्चर क्रिएट करेंगे आसपास, तो फिर आप बीमार होंगे ही होंगे, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, फिर आप कहेंगे मुझे हर बार अटैक हो जाता है। तो जिनको कफ साइनस एलर्जी का अटैक हो जाता है उनको भी ये बड़ा ध्यान रखना होता है, दमा की शिकायत है कई लोगों को, तो ऐसे सब अटैक वाले जितने भी हैं कफ साइनस एलर्जी वाले जो पेशेंट हैं, उनको इस मौसम में कपूर की टिकिया कपड़े में बांध करके सूंघनी चाहिए 10-15 बार। 10-15 गहरे सांस ले लो उसको नाक के पास रख के, ध्यान रहे वो नाक में उसका टुकड़ा ही ना चला जाए, लेकिन नाक के पास वो रख के थोड़ा 10-15 सांस ले लिए, फिर उसको अपने पर्स में रख लिया, डिब्बी में रख लिया, फिर 1-2 घंटे बाद ऐसा दिन में 5-7 बार ऐसे सांस, कुछ सांस ले सकते हैं, ताकि इससे वो उनकी जो अटैक हैं वो थोड़े शांत हो जाएंगे। ये बहुत सारी जानकारियाँ जो मैंने आपको दी बरसात के ऋतु के संदर्भ में, इसको आप औरों को भी बताइए, ताकि खुद का भी प्रयोग करिए, ताकि आप सब ये जो हमारे आयुर्विज्ञान है, जो हमारी ये ऋषियों का दिया हुआ, हमारे जो पुराने बुजुर्गों का जो बताया हुआ ये
टेक्निक्स हैं जिससे कि हम आप स्वस्थ रह सकें, औरों को भी हम स्वस्थ रहने में उनकी मदद कर सकें। तो मेरा प्रयास रहेगा आगे भी कि आपको मैं ऐसी जानकारियाँ अलग-अलग हमारे जो ग्रंथों की या हमारे मेरे अनुभवों की या मुझे जो गुरुओं से मिला, बड़े बुजुर्गों से सीखने को मिला, वो सब मैं आपको बता सकूँ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।